नंबर वन सिलेंडर काम नहीं कर रहा है और इसका रेटिंग भी बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कोइल काम नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये अपने पास टोयोटा यारिस 2006 मॉडल गाड़ी आई है। ये गाड़ी क्या है ना, स्टार्ट होती है पर वो क्या है ना, इसका बहुत मतलब गाड़ी वाइब्रेट होती है। इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। बोले तो मिस फायर होता है गाड़ी, देखिए साउंड से आपको पता चलेगा। और इधर चेक इंजन लाइट भी है, ठीक है ना। आपको बाहर से दिखाता हूँ गाड़ी मिस फायर है। आप ये पाइप से देख के पता लगा सकते हैं कि कितनी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है, ठीक है ना। बराबर चल नहीं रही है तो ज़्यादा मिस फायर है। इसका कोई सिलेंडर ना वो काम नहीं कर रहा होगा, इसकी वजह से ये हो रहा है। या तो सिलेंडर होगा, या तो इंजेक्टर होगा, या तो प्लग हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको कंप्यूटर से चेक करेंगे, ठीक, क्या कोड आ रहा है, फिर उसी बेस पे काम करेंगे। और ये अपना यूरोपियन गाड़ी है, ठीक है। अमेरिकन में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी चेक करने पे ये शो कर देता है। तो इसको कंप्यूटर चेक करता हूँ क्या क्या कोड आ रहा है, फिर उसी कोड के हिसाब से काम करेंगे। इसमें EOBD में 2 आ रहा है, ABS में 2 है, और ACM में 3 बता रहा है। देखते हैं क्या क्या कोड बता रहा है इधर। इसमें जो कोड आ रहा है P0351 इग्निशन कॉइल ए प्राइमरी कंट्रोल सर्किट ओपन का कोड आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी ओपन सर्किट का कोड आ रहा है पर इधर ओपन का नहीं आ रहा है। और ABS में लिख रहा है C0205 फ्रंट स्पीड सेंसर लेफ्ट साइड का आ रहा है, ठीक है। और इसका कोड आ रहा है C1241 लो और हाई पावर सप्लाई वोल्टेज का आ रहा है। और बाकी ये एयरबैग का है, ठीक है, लेफ्ट राइट का आ रहा है, फिर ये एयरबैग कोइल का आ रहा है, ये स्टीयरिंग में आ रहा है, मुश्किल नहीं। इसको एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है, गाड़ी बंद कर देता हूँ। क्लियर करने पे कोड क्लियर हो गया है सब। स्टार्ट करके एक बार फिर से चेक करता हूँ। सिर्फ इंजन को सेलेक्ट करेंगे, बाकी किसी को सेलेक्ट नहीं करूँगा मैं। इसका जो इग्निशन कॉइल का कोड आ रहा है, ठीक है ना, तो पहले इसका इग्निशन कॉइल चेक करेंगे, वो एक नंबर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नंबर एक आ रहा है तो एक नंबर है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको खोलते हैं, फिर चेक करते हैं कि ना इसका इग्निशन कॉइल वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका कॉइल पहले मैंने पूरा खोल लिया हूँ, ठीक है। तो इसका सब कॉइल का ये मैंने निकाल लिया है। तो ये कॉइल इसका एक नंबर वो काम नहीं कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला कॉइल जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको चेक करने के लिए है ना, ये कॉइल को मैं इधर 2 नंबर में लगाएंगे, और 2 नंबर का कॉइल निकाल के है ना एक नंबर में लगा के चेक करेंगे कि वो ये कॉइल अपना सही है कि नहीं। तो गाड़ी बंद पड़ गई है क्योंकि इसका जो है ना एक कोइल बराबर काम नहीं कर रहा है। तो इसको है ना मैं 2 नंबर में लगा रहा हूँ, एक नंबर वाले कोइल को, और इसको फिर मैं लगा रहा हूँ एक नंबर में, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर इसको मैं चेक करता हूँ। तो इसका मैंने एक कोइल बदल के देख रहा हूँ, इसका कोइल इधर लगाया हूँ, फिर भी जो है ना ये काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है। और ये वाला भी आपको दिखाता हूँ जो एक नंबर में लगा हुआ था, ये काम कर रहा है, समझे ना। ये नया कोइल बदले किया है इसने, पर ये कोइल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये काम नहीं कर रहा है, तो इसका क्या पहले वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है ना, वोल्टेज बराबर है कि नहीं है। पहले इसको वोल्टेज चेक करता हूँ वो बराबर है कि नहीं, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ क्या प्रॉब्लम। अभी मैं इग्निशन स्विच इसका मैं ऑन रखा हूँ, ठीक है ना। इसका वायरिंग जो ये वाइट ब्लैक है, इसमें ग्राउंड आएगा, ठीक है ना, अर्थ आएगा, और ये इधर से 12 वोल्ट आएगा, और फिर ये सेकेंड वाला में 5 वोल्ट आएगा, और थर्ड वाला जो है इसमें इसका पल्स आएगा, और ये लास्ट वाला जो है ये इसका अर्थ है, ठीक है। तो एक इस मल्टीमीटर का पिन अर्थ वाला लास्ट में लगाएंगे, और पहला नंबर में इसका 12 वोल्ट पहले चेक करेंगे। पहले इग्निशन स्विच में इसको चेक करना है, फिर इसको स्टार्ट करके इसका पल्स देखना है कि पल्स इसका बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो मैं अर्थ में लगाया हूँ और फर्स्ट वाला वायर में लगाया हूँ, देख सकते हैं इधर 12 वोल्ट इसका बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अपना जो ये पहला वायर है ना, ये अपना क्लियर हो गया, अर्थ और 12 वोल्ट वो क्लियर हो गया है। अब इसका 5 वोल्टेज है वो भी चेक करता हूँ, अब इसका 5 वोल्टेज है ना वो चेक करता हूँ। तो इसका 5 वोल्टेज भी इसका बराबर है। ठीक है, इसमें ये 12 वोल्ट हो गया और ये इसका 5 वोल्ट हो गया, तो अपना ये दोनों लाइन क्लियर हो गया है। अब बस ये पल्स चेक करना है, तो पल्स जब स्टार्ट करेंगे ना तो पल्स आएगा। ठीक है, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको चेक कराता हूँ उसको। अब इसका पल्स है ना वो चेक करता हूँ, गाड़ी अपनी अभी स्टार्ट है, सिर्फ ग्राउंड लगाने में इसका रेटिंग है ना देख रहे, कम ज़्यादा हो रहा है। पल्स इसका बराबर आ नहीं रहा है, वोल्टेज इसका अप डाउन हो रहा है, और इसका 5 वोल्टेज वाला में भी देख सकते हैं अप डाउन हो रहा है, और 12 वोल्ट आना चाहिए उसमें भी रीडिंग बराबर नहीं दे रहा है, मेरे इसमें अप डाउन हो रहा है। इसका जो है ना ये स्टार्ट करने के बाद जो वोल्टेज आना चाहिए था ना वैसा वोल्टेज आ नहीं रहा है। इसका इंजेक्टर भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, इसका इंजेक्टर भी बराबर काम नहीं कर रहा है। इंजेक्टर में भी जो पल्स जो हिसाब से आना चाहिए था, जैसे 24, 28 ऐसा पल्स इसका अप डाउन होता है, पर इसमें देख रहे हैं कभी 10 वोल्टेज के ऊपर जाता है तो कभी नीचे आ जाता है, कभी 14 वोल्टेज आ रहा है, कभी बराबर देता है कभी नहीं देता है। तो ऐसा मसला ज़्यादा करके होता है ना जब कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता है तो होता है। ठीक है, तो इसका पहले मैं वायरिंग चेक करूँगा कहीं से वायरिंग में प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर लास्ट में देखते हैं इसका कंप्यूटर मुश्किल किधर है। तो सबसे पहले वायरिंग इसका चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपको साथ चेक करते हैं। तो इसका पहले जो पल्स वाला लाइन आ रहा था ना वो चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको है ना मैं अर्थ में लगा के चेक कर रहा हूँ कहीं से लाइन शॉर्ट तो नहीं है, बराबर है लाइन शॉर्ट नहीं है। अब इसको कंप्यूटर का फिर मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें बीप का साउंड आ रहा है, मतलब ये वायर जो है अपना ओके है। ठीक है, पल्स वाली लाइन हो गई है 3 नंबर। अब इसका 2 नंबर चेक करेंगे जो 5 वोल्टेज सब कोइल में जाती है। ठीक है, वो भी चेक कर लेता हूँ, ये भी बराबर है अपना। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो एक दो पिन और भी चेक कर सकते हैं, किसी में शॉर्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है, फिर इसको ग्राउंड में भी लगा के चेक करना है शॉर्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, तो 5 वोल्टेज वाला भी अपना वायरिंग बराबर हो गया, और ये इसमें 12 वोल्ट आता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसका इसका भी लाइन है ना वो चारों कोइल में जाएगा। ठीक है, ये भी लाइन ओके है, और इसको भी शॉर्ट करके देखता हूँ बॉडी में बराबर है, क्योंकि इसका इंजेक्टर में भी सब में लाइन इसमें और सब में भी लाइन जाता है 12 वोल्ट डायरेक्ट बैटरी से है। तो ये अर्थ में लगाने इसका रीडिंग आएगा, पर बीप का साउंड आना नहीं चाहिए। ठीक है, रीडिंग आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बीप का साउंड आएगा तो दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि 12 वोल्ट डायरेक्ट है इसका फ्यूज से, वो और भी ज़्यादा जगह पे सेंसर में सप्लाई होता है, तो वहाँ से अर्थ होके इसमें रीडिंग आता है। इसका वायरिंग जो है पूरा ओके है, वायरिंग में कोई मसला नहीं है, वायरिंग कहीं में से भी शॉर्ट भी नहीं है। और जब ऐसे आप मल्टीमीटर चेक करें ना, तो ये ग्राउंड का तार है ना वायर, ये अर्थ का खोल के साइड कर देना है, फिर उसके बाद ही चेक करना। अगर चेक करना है तो फिर इसका है ना चार कोइल का फेसर निकाल के चेक करना पड़ेगा, ताकि आपस में जो है ना, अगर फेसर लगा के चेक करेंगे तो इसका अर्थ है ना फिर 5 नंबर वोल्टेज में वो बाईपास हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर इधर आप चेक करेंगे, फिर बॉडी में लगा के चेक करेंगे ना, तो इसमें फिर रीडिंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका वायरिंग बराबर है, इसका जो प्रॉब्लम है वो कंप्यूटर का है। ठीक है, ये इसका कंप्यूटर का नंबर है C7। इसका ACM कंप्यूटर मैंने खोल लिया हूँ। ठीक है ना, तो पहले इसका वायरिंग वायर टेस्ट किया था। ठीक है ना, इधर से ये 2 नंबर पे है। ठीक है, मैं इसके अंदर मैं दाग भी मारा हूँ वाइट कलर करके है, इधर से दिख रहा है ना ये 2 नंबर में है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, इसमें देखना या दाग मारा होगा ये वाला, ये वाली वायर में। ठीक है, तो इसमें इसका लाइन आ रहा है। ठीक है ना, जो पल्स निकलता है वो वाला, तो वैसे ही आपको वायरिंग चेक करके है ना, फिर वो वायरिंग यहाँ से पिन इसको टेस्ट कर लेना है। ठीक है ना, तो मेरा जो पिन आ रहा है वो आपको दिखाता हूँ, ये वाला पिन आ रहा है, ये अंदर वाला। ठीक है ना, ये वाइट दाग मारा हुआ है, ठीक है ना, ये मैं दाग मार के रखा हूँ,
ठीक है, तो ये वाला पिन आ रहा है और यहाँ से इसका वायरिंग निकल रहा है, ठीक है ना। ये इधर से फर्स्ट वाली वायर निकल रहा है, ये वाला वायर निकल के है ना सीधा ये अपना ये इधर आ रहा है ये वाली में, ठीक है। तो ये वाला इसका जो है ना ये शॉर्ट है, ये इसका देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक भी है और यहाँ पे गड्ढा भी हो चुका है, ये जल गया रहा है, ठीक है ना। ये जो है ये वाला शॉर्ट हो गया, मैं आप इसको चेक भी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये वाला ये लाइन जो है ना यहाँ से ये लाइन पास नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ये लाइन पास करना चाहिए था, ये लाइन पास नहीं कर रहा है, तो मैं भी चेक करके आपको दिखाता हूँ ये लाइन पास नहीं कर रहा है। अभी मैं इसको पिन में लगा कर रखा हूँ, देख सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ रेटिंग नहीं आ रहा है और ना ही इसका कोई साउंड आ रहा है, ठीक है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। मैं इसमें लगा कर रखा हूँ, अब बाकी ये 101 इसका नंबर है, वहाँ पे दो और भी सेम नंबर का है, तो उसमें भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, उसमें रेटिंग आ रहा है, ठीक है ना, उसमें साउंड भी आ रहा है बीप का और रेटिंग भी आ रहा है, देख रहे हैं, इसमें रेटिंग आ रहा है 114 करके आ रहा है, 114 रेटिंग आ रहा है। और दूसरा वाला में लगाया हूँ, देख रहे हैं, ये मैं बीच वाला में लगाया हूँ, ठीक है ना, तो इसका बीप का साउंड भी आ रहा है और ये इसमें रेटिंग भी शो कर रहा है, ठीक है। और उसके आगे एक और है, उसमें भी चेक कराता हूँ आपको, देख रहे हैं, इसमें भी इसका साउंड आ रहा है और इसमें भी इसका रेटिंग आ रहा है, 112 रेटिंग आ रहा है इसमें, ठीक है। तो मतलब ये इसका ये दो काम कर रहा है और जो आपको दिखाया हूँ जला हुआ वो काम नहीं कर रहा है, एक बार और आपको चेक कराता हूँ, फिर से उसी में लगाया हूँ, देख रहे हैं काम नहीं कर रहा है, कुछ इसमें रेटिंग भी शो नहीं कर रहा है, कुछ रेटिंग शो नहीं कर रहा, कुछ काम भी नहीं कर रहा है। तो इसका जो मसला है ना ये वाला में, ये इसका शॉर्ट है, ठीक है ना, ये शॉर्ट होने की वजह से ये इसका लाइन पास नहीं कर रहा है, देख रहे हैं। ये चीज़ को है ना सेम नंबर का बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, बदल के फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास ये सेम नंबर का एक पावर विंडो है, स्विच है, उसके अंदर मिला है, ठीक है, 101 नंबर का ये है, ठीक है ना, 101 नंबर का मेरे पास मिला है, तो इसको क्या है ना मैं खोल के वो कंप्यूटर के अंदर लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारा कंप्यूटर में खो रहा हूँ, मुझे मिला नहीं, एयर बैग हो गया, फिर उधर जो पावर विंडो स्विच है उसमें भी देखा मैं, मिला नहीं, तो इसमें एक में मिल गया है, पर रीडिंग इसका सेम है, रीडिंग भी आपको चेक कराता हूँ एक बार, ये इसका रीडिंग देख सकते हैं 112 शो कर रहा है, ठीक है, अभी का साउंड भी आ रहा है सेम इधर मैं लगा रखा हूँ, ठीक है। तो ये अपना बराबर है, तो इसको खोल के है ना इसको निकालता हूँ, हीट दे के निकालता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको लगाते हैं, साइज में थोड़ा बड़ा है फिर भी देखता हूँ लगा के, अगर आ गया तो ठीक है, ठीक है ना। ये जो है ना डायरेक्ट इधर आईसी में आ रहा है, ये वाला आईसी में आ रहा है डायरेक्ट, इसको खोल के लगा कर पहले देखता हूँ। मैं इसको निकाल लिया हूँ, ठीक है ना, बस थोड़ा सा फर्क है साइज में, थोड़ा बड़ा छोटा है, पर नंबर इसका सेम है, ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पर से मैं निकाल लिया हूँ इसको, ठीक है। और ये टूल्स की मदद से है, इसमें क्या है ना सोल्डिंग से नहीं काम करेंगे, ये हवा इसमें गर्म हवा निकलता है ना, इससे आसानी से निकल भी जाता है, और सिर्फ जगह पर रख के इस कॉल का हीट देंगे ना तो फिर ये वापस से वो जॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं भी इसको फिक्स करता हूँ, ठीक है ना, इसको फिक्स करके फिर चेक करके फिर इसको गाड़ी में लगाएंगे, तो इसको मैं फिक्स करता हूँ पहले, ठीक है ना। तो इसको मैंने बराबर फिक्स कर लिया है, बस इस पर हल्का सा ऐसे रख के है ना इसको हीट देंगे, ये खुद ही पकड़ लेगा इसको, ठीक है ना, बस इसको हल्का सा ऐसे देख के इसको ऐसे यहाँ हीट देना है, हीट दे दिया ना, ये क्या हुआ कि ये अपना पकड़ लिया है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं, इधर इधर इसमें रीडिंग में बराबर आ रहा है, ठीक है, और एक बार यहाँ से भी कंफर्म कर लेता हूँ, मतलब अपना लाइन अभी ओके हो गया है, ठीक है। अब इसको गाड़ी में फिक्स करता हूँ फिर आपको चेक कराता हूँ। कंप्यूटर फिक्स कर दिया हूँ मैंने, ठीक है, अभी सिर्फ नॉर्मली फिक्स किया हूँ, इसको सिलिकॉन लगा के फिक्स नहीं किया हूँ, सिर्फ ऐसे ही चेक करने के लिए लगाया हूँ, गाड़ी भी अपना स्टार्ट है
और गाड़ी भी देख सकते हैं अभी स्टेबल है, ये भी देख सकते हैं अभी ज़्यादा मिसफायर नहीं है, देख रहे हैं गाड़ी अभी एकदम नॉर्मल है, अभी मिसफायर नहीं है, मतलब अपना जो प्रॉब्लम था ना अलहमदुल्ला क्लियर हो गया है। देख सकते अभी सब कोइल इसका काम कर रहा है, ये देख सकते हैं, देख इसको उठाने से अभी गाड़ी है ना वो वाइब्रेट करने लगती है, देखिए देख सकते हैं इसको लगाएंगे गाड़ी बराबर होगी, मतलब अलहमदुल्ला अपना जो है ना ये इंजेक्टर भी काम कर, ये इसका कोइल भी काम कर रहा है और इंजेक्टर भी आपको दिखाता हूँ, देखिए इंजेक्टर का फेसर निकालने से वाइब्रेट होने लगे, इसको वापस लगाएंगे ना ठीक हो जाएगा, अभी अभी ये इसका इंजेक्टर लगा दिया हूँ वापस, अभी गाड़ी अपनी बराबर है गई है। इसको एक बार ना कंप्यूटर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पहले जो है ना इग्निशन कोइल का इग्निशन कोइल का कोड आ रहा था वो जा नहीं रहा था, तो अभी यहाँ से चेक कर लेता हूँ कोड अपना कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तभी देख सकते कोई कोड नहीं आ रहा है, ना ओबीडी में है ना ईसीएम में कोई कोड नहीं है, ठीक है देख सकते हैं यहाँ पे अभी अलहमदिल्ला कोड भी बराबर है और चेक इंजन लाइट भी नहीं है, ठीक है, और गाड़ी एक जगह भी वाइब्रेट नहीं है, ठीक है ना, देख रहे इसका एक्सीलेटर भी बराबर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम था ना वो कंप्यूटर का था, ईसीएम का था, ईसीएम में वो 101 नंबर का जो ये था ना उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, अपने को भी उतना ठीक से वो याद नहीं है, भूल गया मैं, तो वो ये शॉर्ट हो जाने की वजह से हो रहा था। तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप भी कंप्यूटर को है ना खोल के, कोई ख़राब कंप्यूटर से है ना जो चीज़ ख़राब है वो चीज़ को लगाने से ना वो ठीक हो जाएगा, पर यह है कि आपको है ना वो वायरिंग टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट करके जो अपना प्रॉब्लम है वो क्लियर मैंने कर लिया हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं खाला ख्याल।